फ्रेंड्स, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो आपको चले आना है गया के गेवल बीघा मोड़ पे, और सामने आप ये जो देख रहे हैं गेवल बीघा मोड़ है, और यहीं पे पास में आपको दिख जाएगा रॉयल रेल रेस्टो, और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा बैनर भी लगा है आई लव गया एंड RRR में हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं ये न्यू थीम वाला हमारे यहाँ रेस्टोरेंट किस तरीके से बना है और क्या इसकी दीवानगी है, लोगों में कैसा प्यार है, वो सब कुछ हम लोग चल के देखते हैं अंदर। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ गया के बहुत ही बेहतरीन प्लेस पे। आप कह सकते हो कि आज ही इसका ओपनिंग हुआ है, रेल रेस्टो, जो कि काफ़ी सुनहरा थीम में हमारे गया में प्रेजेंट हुआ है और काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। तो अभी मैं जस्ट आया हूँ यहाँ पे और आज पेपर में भी इसका पंपलेट छपा था, तो काफ़ी अच्छा लगा ये जान करके हमारे गया में कुछ इस तरीके का आयोजन, इस तरीके का रेस्टो जो है उसका निर्माण किया गया है। कहीं ना कहीं ये हमारे सारे युवाओं को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करेगा। और ये जो आप यहाँ पे थीम देख रहे हो ना, ये काफ़ी यूनिक है, पूरी तरीके से ये रेल का थीम है। तो अभी हमारे साथ हैं यहाँ के मैनेजर इस रेल रेस्टो के, जो कि आपको बताएंगे इस रेल रेस्टो के बारे में। तो भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। इसकी ओपनिंग कब हुई है? आज ही है। तो मतलब क्या आइडिया था ये हमारे गया में इस तरीके का रेल रेस्टो, इस थीम को लाने का? ये तो अच्छा लगा हमें भी। मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम में बिहार में आया हूँ। मैं दिल्ली और गुड़गांव और ऐसे ऐसे जगहों पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में काम कर रखा हूँ, तो यहाँ पे आके अच्छा भी लगा, यहाँ का थीम भी अच्छा लगा, हमें ऑनर भी अच्छे लगे, बेटर लगा। और यहाँ का थीम भी देख रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ मैं, रील जैसा बना के रखे हुए हैं। काफ़ी यूनिक ये थीम है हमारे गया में, ये पहली बार भी आया है। और थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए लोगों को कि इसकी टाइमिंग क्या होगी यहाँ पे, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट मीन एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है या नहीं, और मेन्यू की क्या क्या चार्जेस हैं, मतलब कुछ मिनिमम ऐसा कोई नॉलेज हो तो बता दीजिए लोगों को। बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे तीन गेम्स है, तो दो गेम्स का ऐसा है कि 100-100 रुपये चार्जेस लगेगा, ठीक है। हुक्का है हमारे पास, मॉकटेल है, शेक है, और उसके बाद नॉन वेज और वेज है। और स्टार्टिंग टाइमिंग हो गया सुबह 11 से 11 रात, लास्ट क्लोजिंग है। अच्छा, सुबह 11 से रात के 11 बजे तक। जी। अच्छा, एंट्री फ्री है यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा। और हुक्का का जैसे हो गया, उसका 5,000 3 आवर्स का चार्जेस है। अच्छा, ये क्या थीम है? इट मीन यहाँ पे हमें इंजन दिख रहा है और उसके बाद फिर कोचेज हैं, तो और भी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? बस यही है, इतना ही है हमारे पास। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, इस रेल रेस्टोर का शुरुआत होती है ये स्टीम इंजन से। आप सामने देख सकते हो बहुत ही यूनिक स्टाइल में यहाँ पे स्टीम इंजन लगा हुआ है, और यहाँ पे ही आपको कैश काउंटर वगैरह मिल जाता है। और यहाँ से जैसे ही आप आगे जाते हो, आपका एक फैमिली एरिया है, यानी फैमिली जोन, और उसके बाद कोचेज शुरू हो जाते हैं। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, ये फैमिली जोन है। यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे से अपने फैमिली के साथ बैठ के किसी भी तरीके का छोटा मोटा इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हो। देन कोच नंबर 1 आती है, और इसका भी जो इंटीरियर है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। आप देख सकते हो लाइटनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बेहतर है, और पूरी तरीके से आपको फील आएगा कि जस्ट लाइक मैं कोचेज में बैठ के लंच डिनर समथिंग कर रहा हूँ। और सामने आप देख सकते हो कोच नंबर 2, और इस तरीके से बहुत सारे कोचेज हैं। आप जाओगे, आपको कोच वाली फीलिंग आएगी, और ये बाहर एक बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है, और यहाँ पर आपको मॉकटेल काउंटर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और आप देख सकते हो सामने लोग बैठ के सेल्फी और पिक भी ले रहे हैं। उसके बाद एक एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप बर्थडे और छोटे मोटे इवेंट को सेलिब्रेट कर सकते हो, और ये रहा आपका हुक्का बार। तो यहाँ पे आपको हुक्का का सारा वैरायटीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। सामने आपको प्ले जोन भी है। तो भैया, आपको बताएंगे यहाँ पे कि आपको फर्स्ट टाइम आए हो आप यहाँ पे, आज ओपनिंग हुई है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत है ना? तो खूबसूरत भी है, स्पेस बहुत अच्छा है, फूडिंग वगैरह बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा बात है कि यहाँ सारे चीज़ों का व्यवस्था दिया गया है, हुक्का बार है, और खाने में बहुत जो है जितने मोस्टली चीज़ें होने चाहिए, फास्ट फूड वगैरह, नॉन वेज भेज, ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। तो और इस लोकेशन में एक बेस्ट रेस्टोरेंट की बहुत कमी थी, तो यहाँ गया में इस तरीके का कुछ थीम था नहीं पहले से, नहीं, और इस तरीके से आ रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। एक नए कॉन्सेप्ट पर आया है, स्पेस भी है, फूडिंग का क्वालिटी हम खा रहे हैं, अभी कॉफ़ी वगैरह पिए, तो उसका भी जो है काफ़ी डिलीशियस है। तो मेरा ख्याल है ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा, बहुत अच्छा चलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ लोग हमसे जुड़े हैं तो भैया यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भैया आपका। और यहाँ का फूड कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा भैया। क्या बात है, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ का इंटीरियर लुक काफ़ी अच्छा है और अभी हम कोच नंबर 1 में हैं। और इस तरीके का रेस्टोरेंट जो है ना गया में, इस तरीके का थीम काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और वैसे तो हमारे गया में बहुत सारे नए नए थीम आ रहे हैं और हमारा गया और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, लेकिन ये आज इस जगह को घूम के काफ़ी मज़ा आ गया। जो भी यहाँ के ओनर है, जिनका भी ये स्क्रिप्ट था कि इस तरीके का रेस्टोरेंट हमारे गया में ओपन किया जाए, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। थैंक्स उन सारे लोगों को जिनका ये दिमाग था। एंड ये कहीं ना कहीं सारे युवाओं को, जो भी गया के लोग हैं ना, उनको काफ़ी ज़्यादा ये क्रेज़ करेगा और बहुत ही ज़्यादा दीवानगी रहेगी। तो मुझे भी यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे, यहाँ के मैनेजमेंट जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, मैनेजर से बात ही वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किए, और जो भी यहाँ पर फूड था वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। ओके फिर फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद। तो भैया कैसा फीलिंग है यहाँ पे? काफ़ी मज़ेदार थीम लेकर आए हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा। आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे काम करके? जी काम करके यहाँ पे कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।